पचालों के लिए तो ये अपने पति को भी छोड़ सकती है। यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया लड़कियों को, ये ऐसे डांस कर रही रोड पे। बहुत सारे पहाड़ तो हमें बादलों के वैसे नहीं दिख रहे, बट फिर भी काफी खूबसूरत है। और वो टॉप पे वहां पे आरसी पीक है। दौड़ रहे हम क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई है, भागो, भीग के पूरे आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेयन रोड। तो रुद्रेश्वर कहाँ जाने वाले हम? आपको नहीं पता क्या? कहाँ जा रहे हैं? बताओ आप ही। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी है ये, मैं स्टार्टिंग में डालना लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग स्ट्रे ऑन रोड। तो आज हम निकल चुके हैं अपनी नई ट्रिप के लिए और हमें ज्वाइन किया उषा और भुवनेश्वर ने। जिनको नहीं पता वो बता दें कि उषा भुवनेश्वर है अनवी के भाई बहन। क्योंकि उषू का फास्ट है तो उसके लिए फ्रूट्स, और हम खा रहे हैं चिप्स और ये खा रहा है विक्स। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई, क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पे हमें मिल गई कचालू। आज ये भी आया हुआ हमारे साथ, ये पहली बार आया है। और ये देखो ये हीरोइन है। तो एक और अंदर है, वो इतनी आलसी है कि उसने बाहर नहीं आना है। तीन ही कचालू है, खत्म हो गया अब। अब नहीं खाएगी अनवी। मैंने अनवी को बोला से तीन है, वो वहां पे जाके देखने गई कि सच में तीन है क्या। कचालू के लिए तो ये अपने पति को भी छोड़ सकती है। कुछ भी, सही बात है ना? कुछ नहीं, सच। आपने अंकल जी को बताया? पानी दो, पानी दो। और देखना दूसरी प्लेट ले रही है, कितनी गंदी है। रही है, आंसू आ रहे हैं। दूसरी प्लेट पहले उठाई इसने। हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि आगे चल रहा है रोड का काम, तो अभी वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ऑलरेडी इतने ज़्यादा लेट हो चुके थे कि भी अपने पास और कोई चॉइस नहीं, अभी और लेट होंगे सब इसकी वजह से। मैंने बोला सुबह जल्दी उठ, जल्दी उठ, उठ ही रही थी। कितने बजे उठी थी? 10 बजे। चल झूठा, 5 बजे उठ रही। अब हम रामनगर के रोड को छोड़ के दुद्धू बसंतगढ़ वाले रूट पे आ गए। हमने स्टॉप लिया क्योंकि यहाँ पे जंगल बड़ा सही है। जब फर्स्ट टाइम आए थे हम यहाँ पे, तो यहीं पे हमने लंच किया था अपना, इधर पे। वहाँ अनवी भुवनेश्वर का फोटो निकाल रही है और यहाँ मैं इसका फोटो निकाल रहा हूँ। मतलब हम लोगों को फोटोग्राफर बनाया हुआ तुम्हें है। भाई मैंगो जूस पीना, मैंगो जूस पी ले यार। ये पड़ा है। कुछ भी गाइस, मेरा एक फोटो नहीं निकाला इन्होंने अभी तक। ये तीनों लगे हुए देखो अपने फोटो निकलवाने में। आ जाओ आप भी। रहन दे तू चुप। अभी हम जा रहे हैं जहाँ के लिए हम आए हैं। कसम से 3 घंटे हो गए लेकिन अभी तक हम कहीं पहुंचे नहीं है। आधर अभी भी यहाँ से 20 किलोमीटर बचा हुआ है। आरसी पीक ज्यादा दूर नहीं बचा है, सिर्फ 3 किलोमीटर बचा है, लेकिन मेरे पीछे जगह देखो। वाओ ब्यूटीफुल, वाओ एक और ब्यूटीफुल। यहाँ पे रुके थे हम, यहाँ पे पूरी धूप थी और इस वक्त देखो पूरे बादलों के बीच में हमें, और यहाँ पे अभी भी फोटोग्राफी चल रही है। बट सीरियसली बहुत खूबसूरत लग रही है प्लेस, और एकदम से पूरी डार्कनेस हो गई है।
ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा रहेगा बादल, मतलब वहाँ पे नीचे से बादल पूरे वहाँ से पूरे ट्रैवल करके इस साइड जा रहे हैं। ब्यूटीफुल। यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया लड़कियों को, ये ऐसे डांस कर रही रोड पे और पूरा खाली है यहाँ पे, सुनसान सही है पूरा। अब हमें भुवनेश्वर अपना डांस स्टेप दिखाएंगे। यार डांस तो बनता ना, एक एक स्टेप तो बनता है। कम ऑन डूड, एक स्टेप वॉक वाला स्टाइल, वॉक वाला पीछे से आता हूँ, ठीक है ठीक है। वाह सुपरस्टार रॉकस्टार। थोड़ा सा आगे आए थे, फिर से हम ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्पॉट्स हैं ना और इतनी सही सही सीनरीज हैं कि मन कर जाता है कि रुक ही जाएं यहाँ पे। अभी दिखाता हूँ फिर से आपको क्यों रुके हैं यहाँ पे, ये देखो। ओए ज़्यादा पीछे नहीं जाना। वाओ अच्छी है ना जगह, बहुत सारे पहाड़ तो हमें बादलों के वैसे नहीं दिख रहे बट फिर भी काफ़ी खूबसूरत है। और वो टॉप पे वहाँ पे आरसी पीक है, वो एंटीना दिख रहे हैं, उधर जाना है हमें। बारिश पड़ने लगी यहाँ पे, अभी जल्दी जल्दी चलते हैं ऊपर क्योंकि रास्ते में ना कहीं जगह पे ऐसा कीचड़ था ना तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। फटाफट से चलते हैं, वो बारिश आई। अभी बारिश पड़ना थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है लेकिन मौसम काफी अच्छा है, मजा आ रहा है। क्या कहते हो? बड़ा ज्यादा मजा आ रहा है। उस मूवी या यहाँ पे तार लगी हुई है जिसकी वजह से हमें आगे जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे गाड़ी लगा दी हमने। जो लैंडस्केप है एकदम खूबसूरत लग रहा है। और ये दोनों आगे चले गए और मैं और ये पीछे, चलो। अब और सनलाइट और ज़्यादा कम हो गई है और यहाँ पे चल रहा है फ़ोटो शूट। ये भाई बहन लगे हैं इधर फोटो शूट करने में और ये मैडम यहाँ पे पोज मार के बैठी है कि कोई तो आए मेरा फ़ोटो निकाले। बादल यार इस साइड तो देखो बादल। अबे हमने पता क्या सोचा था, हमने सोचा था आरसी पीक के ऊपर जाएंगे, वहां से हम व्यूज देखेंगे पूरे पहाड़ियों के, इतना मजा आएगा। मजा क्या आना है, पीछे देखो, पीछे कुछ नहीं दिख रहा अभी। कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल बादल हो गया। सिर्फ बादलों में हम चार सिर्फ यहाँ पे और कोई नहीं आया यहाँ पे। हाँ चार नहीं पांच है, ये भी भाई साहब आए हैं, बड़े सीरियस होके बैठे हैं, लग रहा है कोई धोखा मिला इसको, जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा मिला है। नज़ारे ले रहे, नज़ारे इस नज़ारे इस साइड नहीं है, नज़ारे इस साइड है पीछे, मतलब कुछ भी साइड से बादल सारे इस साइड आ रहे हैं। ठंडी हवा ले रहा उसको अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, बोल रहे मैं पहले इधर आता था गर्लफ्रेंड के साथ। कोई सेंस है इस बात का? आ जाओ जल्दी वापस अभी वैसे भीगने वाले हैं, आ जाओ चल। हां चल भाई फोटो ले लो उसके।
ये मांगने वाली कौन है? इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। देखो भाई इस पोज मारने का ना 500 रुपये लगता है। दौड़ रहे हम क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई है, भागो, भीग के पूरे आज आज गए हम। क्या हाल हो गए? ओए तू सबसे आगे आई थी, सबसे ज्यादा तुम्हें गिल्ली दिख रही है। ओ भाई सिर्फ मस्ती मार रहे थे हम। बारिश इतनी ज्यादा तेज बारिश है ना, हालत खराब होगी भाग भाग के। यहाँ पर क्या चल रहा है? हम यहाँ फंसे हुए, इसको अपने देखो यहाँ पे लिखने की पड़ी हुई है, पूरे खानदान का नाम लिख दिया इसने यहाँ पे कि कोई नाराज ना हो। देख लो भाई, अरे पीछे बुरी हालत, बुरी हालत। 2000 years later. तो काफी देर इंतजार किया हमने कि बारिश रुक जाए रुक जाए, लेकिन रुक नहीं रही थी। तो अभी हमने डिसाइड किया कि हम निकल जाएंगे यहाँ से, और एकदम से धूप भी पड़ गई है। चलते हैं यहाँ से, काफी सारे फोटो निकाले। A few inches later. तो अभी हम यहाँ पे ढाबे में रुके हैं। यहाँ पे मैंने लिया था कड़ी चावल, मैंने तो खत्म कर दिया। ये दोनों देखो, ये बाहर का इनको पसंद ही नहीं आता है। क्या मंगाया? कलाड़े कुलचा। इसका तो फास्ट है, इसको तो कुछ नहीं मिलना। ले ले तू कोल्ड ड्रिंक पी। लंच करके हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो रोड की बात की जाए तो 95% रोड अच्छा ही है, कहीं कहीं पे टूटा फूटा है, बाकी बढ़िया रोड है। यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है क्योंकि यहाँ पे हमें एक बहुत अमेजिंग चीज़ पता चली है कि ये जो हैडपम्प है ये ऑटोमेटिक हो चुका है सब कुछ हमारा। तो हमारा जो J&K ना बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि ऐसे हैडपम्प लगाए हैं ऑटोमेटिक कि हमें गिरने की जरूरत नहीं है पंप को। ऐसी टेक्नोलॉजी ना वेस्ट नहीं जानी चाहिए, पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए टेक्नोलॉजी। यही था वीडियो RC पीक का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद।